हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक मेन ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड देयर एग्जांपल्स। प्रीवियस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स। आज के इस वीडियो में हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स फर्स्ट कौन सा है उसको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स वाच कैको डाइऑक्साइड व्हिच आर रिपल्सिव स्मेल एंड टॉक्सिक लिक्विड्स। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट्स का आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से वो कैको डाइऑक्साइड है। स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप से होगा। दो आर्सेनिक हैं, CH3 टर्मिनल पे लगे हैं, ऑक्सीजन ब्रिज पे लगा है। अब इसका जो फार्मूला होता है CH3 2 AH2O, नाम होता है डाईमिथाइल आर्सेनियस एनहाइड्राइड और कैकोडाइल ऑक्साइड। दिस कंपाउंड वाज वर्जिनली सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग ट्राई आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड विन पोटेशियम एसिटेट। तो कैसे आप कैकोडाइल ऑक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं उसका मेथड यहाँ से देख सकते हैं। AS2O3 आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड 4CH3CO के, तो आपको क्या मिलेगा, कैकोडाइल ऑक्साइड मिलेगा, 2K2CO3 मिलेगा, 2CO2 मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, डाई कैकोडाइल ऑक्साइड इज आल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इबर डिस्कवर्ड। तो अभी कैकोडाइल ऑक्साइड के अलावा डाई कैकोडाइल का भी डिस्कवर्ड हो चुका है। इट वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाई एडवर्ड फ्रैंकलैंड एंड रॉबर्ट बुंशन। यहाँ पे आप देखेंगे एक नाम आया है एडवर्ड फ्रैंकलैंड। एडवर्ड फ्रैंकलैंड आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इज एडवर्ड फ्रैंकलैंड। इट वॉज ओरिजिनली मेड फ्रॉम आर्सेनिक डिस्टल विथ पोटेशियम एसिटेट। जो डाई कैकोडाइल ऑक्साइड है उसको कैसे बनाया जाता है, आर्सेनिक डिस्टल विथ पोटेशियम एसिटेट के साथ। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे डाई कैकोडाइल का, तो इसमें है AS, दो आर्सेनिक के मालिक्यूल्स हैं, बाकी 4 CH3 के हैं, CH3 4 AS2। H3 इज कॉल्ड द कैकोडाइल डाई कैकोडाइल। द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल का जो फर्स्ट मेन ग्रुप कंपाउंड्स है वो आपका क्या है, जैसी साल्ट। जैसी साल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। फार्मूला होता है KPT यानी प्लेटिनम C2H4Cl3। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि जैसी साल्ट का, तो यहाँ प्लेटिनम है, उसके साथ 3 क्लोरीन एटम्स हैं, बाकी एक क्या है C2H4 है, इस तरीके से ये बॉन्डेड है। तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ जैसे साल्ट, जैसे साल्ट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अनलाइक कन्वर्जन ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स, द सेंट्रल एटम इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इज ऑफ्टन इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -1 or +1, समटाइम +2। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स एंड लैंथेनाइड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कौन कौन से हैं, Na+ हो गया, C2H5- हो गया, N-ब्यूटाइल-लिथियम हो गया, BCH2CH3- हो गया, Li4CH3-4 हो गया, R4PB हो गया, RMGX हो गया, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, R=LkRLi कुछ भी हो सकता है, Al2CH3-6। ये सब आपकी किसकी एग्जांपल्स हैं, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स। तो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, टाइटेनियम है, इसका ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रहेनियम है, आपका निकिल है RsPpH3Cl जो आपका मोस्ट कॉमन है, ये है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट जिसको आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। विल्किंसन कैटालिस्ट आल्सो यूज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। तो एग्जांपल्स हो गए ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। अब हम देखेंगे लैंथेनाइड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आपका क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है यूरेनोसिन। यूरेनोसिन आपका किससे बना है, यूरेनियम बना है, यूरेनोसिन।